हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे अपने घरों में इलेक्ट्रिकल वर्क कराते हैं, ऐसे तो इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में सब मेंशन रहता है, हमारी वायरिंग, कंड्यूट, पावर पॉइंट एंड स्विच का हाइट क्या रहेगी और रहनी चाहिए। पर आपके पास ड्राइंग ना हो तो आप क्या करेंगे। इलेक्ट्रिकल वर्क में सभी डिफरेंट स्विच बोर्ड या पावर पॉइंट की स्टैंडर्ड हाइट का पता ऐसे भी आपको होनी चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आपके घर की कौन सी रूम में कौन सी पॉइंट किस हाइट पे रहनी है। तो दोस्तों यहाँ पे जानेंगे स्विच बोर्ड का स्टैंडर्ड हाइट क्या रहेगा। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, फर्श से जो बॉटम तक स्विच का जो हाइट स्टैंडर्ड है वो कितना हम लोग रखनी है रूमों में। तो यहाँ पे हम तीन तरह का मेजरिंग आपको दिखाए हैं, फीट में और इंच में और सेंटीमीटर में, जो कि जो जैसा समझे। तो यहाँ पे अगर हम स्टैंडर्ड हाइट लेंगे तो फीट में तो 4 फीट होगा और इंच में 48 इंच होगा। वही हम सेंटीमीटर में लेंगे तो 120 सेंटीमीटर होगा। दोस्तों यहाँ पे जानना जरूरी है कि FFL का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि FFL जो लिखा है हाइट फ्रॉम FFL इन फीट, तो कितने लोग कंफ्यूज जाएंगे। तो FFL का फुल फॉर्म होता है फिनिशिंग फ्लोर लेवल। नेक्स्ट पॉइंट है बेड स्विच का हाइट। यहाँ पे आपको बता दूँ कि बेड स्विच का हाइट जो कि बिल्कुल पास में रखना है, बेड के ज़्यादा दूरी पर नहीं इसको पॉइंट रखना है, क्योंकि ऑन ऑफ करने में आसानी रहे। तो इसका फिट 2.5 फीट रखेंगे और इंच में 30 इंच रखेंगे और सेंटी में बनेगा आपको 75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा है टीवी पॉइंट। टीवी का पॉइंट कितना हाइट पर रखें। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता देना है, टीवी का अगर आप पॉइंट रखते हैं तो फीट में 3 से 3.5 फीट रखेंगे, यही इंच में 36 इंच से 42 इंच रखेंगे और सेंटीमीटर में लेंगे तो 90 से 105 सेंटीमीटर रखेंगे। और दोस्त नेक्स्ट है एसी पॉइंट का स्विच कितने हाइट पर रखें। यहाँ पे एसी पॉइंट का स्विच आप देख रहे हैं जो कि बिल्कुल बाजू में दिखाया गया है, तो इसका हाइट रहेगा 6.5 फीट और यही इंच में हम 7 से 81 इंच हो जाएगा और ये सेंटीमीटर में लेंगे तो 200 सेंटीमीटर हाइट होगा। ये निर्भर करता है आपके सीलिंग पे। अगला पॉइंट है ट्यूबलाइट और CFL, इसका हाइट कैसे कितना रखें, स्टैंडर्ड हाइट क्या रहेगा। तो यहाँ पर अगर आप फीट में लेते हैं तो 6.5 फीट से 7 फीट रहेगा और इंच में 78 इंच से 84 इंच रहेगा, वही सेंटी में लेंगे तो 195 से 210 सेंटी रहेगा। नेक्स्ट है टेलीफोन पॉइंट। टेलीफोन का पॉइंट कितने हाइट पे रखें अपने फिनिशिंग फ्लोर से। तो यहाँ पे फीट में लेते हैं तो 3 फीट रहेगा, वही आपको इंच में 36 इंच बनेगा और सेंटीमीटर में आपका 90 सेंटीमीटर बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गीजर का, जो कि कितने हाइट पर रखना है ये भी सीलिंग पे डिपेंड करता है, लेकिन स्टैंडर्ड इसका हाइट रहता है 6 से 7 फीट और इंच बन जाएगा 72 से 84 इंच और सेंटीमीटर बन जाएगा 180 से 210 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रिज का। फ्रिज का दोस्तों बता दूं, फ्रिज का हाइट हम यहाँ बताएंगे स्टैंडर्ड, लेकिन बहुत छोटा भी फ्रिज रहता है, बड़ा भी फ्रिज रहता है, उस हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे फ्रिज का हाइट रखेंगे 5 से 6 फीट और इंच में 60 से 72 इंच और सेंटीमीटर में 150 से 180 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा है ड्रेसिंग टेबल, जो कि ड्रेसिंग टेबल का हाइट क्या रहेगा लाइट का। इसके बिल्कुल पीछे आना चाहिए, टेबल के पीछे, शीशा के पीछे आना चाहिए आपका पॉइंट। तो ये फीट में 5 फीट रहेगा और इंच में 60 इंच हो जाएगा और वही सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पावर सॉकेट। ये पावर सॉकेट जो है आपका लिविंग रूम में लगाते हैं, जो कि मोबाइल चार्ज वगैरह करने के लिए, तो इसका हाइट रहेगा 2 फीट और इंच में लेंगे तो 24 इंच हो जाएगा, यही सेंटीमीटर में लेंगे तो 60 सेंटीमीटर होगा। ये ज़्यादातर लिविंग रूम में हम लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, जो कि इसका हाइट स्टैंडर्ड हाइट रहता है 6 फीट और इंच में इसको देखेंगे तो 72 इंच होगा और वही सेंटीमीटर में हम मेजरिंग करेंगे तो 180 सेंटीमीटर होगा। तो हम लोग बेसिक हाइट के बारे में आज जाने, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। फ्रेंड, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Boom, 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 boom.